Hi guys, welcome to my channel. Welcome to my another vlog type video. So basically, इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो शूट किया है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो शूट नहीं किए हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठे हो गए हैं. सो आई थॉट कि एक दिन में दो वीडियो तो मैं बनाऊंगी. सो अभी सबसे पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो शूट किया था तो मेकअप मेरा एज इट इज़ है. सिर्फ मैंने अपना टॉप चेंज किया एंड अपनी ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज चेंज कर ली है. तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है एक प्रोडक्ट, हेयर ग्रोथ का प्रोडक्ट. बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों के साथ में हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम आ रही है. मेरे साथ में हेयर फॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. आई डोंट नो डाइट सही नहीं है या फिर खाने पीने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये हेयर फॉल का इशू फेस करना पड़ रहा है. बट इट्स ओके. अभी मैं आप लोगों के साथ में एक ऑयल शेयर करूँगी वो मैं भी रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा ऑयल है. एंड अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहले एक वीडियो शूट किया है तो मैं एक वीडियो शूट करने के बीच में थोड़ा सा गैप लेती हूँ. यूजुअली भी लेती हूँ और अभी भी मैं ले रही हूँ. बिटवीन मैं अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट एंड अपनी कोई भी एनर्जी ड्रिंक या जो भी फ्रूट होता है मैं ले लेती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिल सके. छोटू बेबी है ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है. ये आज बहुत लेट करके उठी है. मैं इसे बोल रही हूँ सोजा बेटा सोजा लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है. मेरे वीडियो में भी बोल रही है. छोटू बेबी क्या कर रहा है? मम्मा को बहुत डिस्टर्ब कर रही हो ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो. तो सोएगी नहीं बट इसके साथ में ही मुझे काम करना पड़ेगा. थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसका साउंड आए तो प्लीज़ अवॉइड कर देना. ड्राई फ्रूट्स हैं जो मेड में या फिर मैं जब भी उठती हूँ अपने वीडियो से तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ. अब मैं अपने सेटअप पे चलती हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक हेयर ऑयल के बारे में जो कि हेयर ग्रोथ को करता है. सो ये आ गया है मेरा सेटअप. जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने पहले वीडियो शूट किया है तो ये मेरा सेटअप बना हुआ है. अब मुझे यहाँ पे अपना कैमरा सेट करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है. मैं अपने सेटअप पे आ चुकी हूँ, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैं आज बात करने जा रही हूँ प्लांट बेस्ड हेयर ऑयल के बारे में. ये है हेयर ऑयल जो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा. वैसे क्या होता है ना कि अभी प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट नहीं हो पाती है या खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं या पॉल्यूशन की वजह से हमारे हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं प्लस हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है. चाहे हम अच्छी डाइट भी लें तो भी पॉल्यूशन की वजह से यूवी रेस की वजह से हमारे हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं. सो आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी जो ये हेयर ऑयल है वो आपकी हेयर ग्रोथ को करने में और नई रूट्स को फिर से रीजनरेट करने में कैसे हेल्प करता है. तो बेसिकली ये जो हेयर ऑयल है वो प्लांट बेस्ड हेयर ऑयल है. बहुत सारे मार्केट में हेयर ऑयल आते हैं बट उनमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड होता है. ये टोटली जो है प्लांट बेस्ड हेयर ऑयल है और इसके अंदर है नील बरंगिदी, ब्रिंगराज, महामोही, तिल, त्रिपला, इन सारे प्लांट से मिलकर ये बना है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है प्लस क्लिनिकली भी टेस्टेड है. सो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. प्लस आप इसमें जो जिन भी इंग्रेडिएंट से मिलकर ये बना है वो विटामिन बी एंड ई की कमी को पूरा करते हैं. हमारे हेयर में अगर विटामिन बी और ई की कमी हो जाती है तो नई रूट जो है वो जनरेट नहीं हो पाती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है. सो ये जो प्लांट बेस्ड हेयर ऑयल है वो आपकी विटामिन बी और ई की कमी को पूरा करेगा. प्लस इसमें कैल्शियम, प्रोटीन एंड जिंक एंड फास्फोरस इनकी कमी को भी पूरा करेगा जिससे आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ये जो है वो कुछ इस टाइप की ग्रीन बॉटल के अंदर आती है. इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे होते हैं ना उस टाइप की हेयर ऑयल जैसी आती है. मैंने इसको ट्राई किया है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी है. और ये आपको मिलता है 110 ml और इसका प्राइस जो है 340 rupees है. आपको इजीली डिस्काउंट में मिल जाएगा. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि आपको ये कहां से परचेस करना है, आपको इसको किस टाइप से यूज़ करना है. लाइक बहुत लोग क्या होते हैं डायरेक्टली अपने हेयर में हेयर ऑयल को लगा देते हैं बट आपको इसको फिंगर की हेल्प से जो टिप होते हैं उसकी हेल्प से आपको इस टाइप से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए आपको इसको यूज़ करना है. एंड आपको फुल्ली एंड तक आपके हेयर एंड जहाँ पे होते हैं वहाँ तक इस हेयर ऑयल को अप्लाई करना है रूट से एंड इस टाइप से अप्लाई करना है. तो अगर आप एक अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा प्लस आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा. एंड ये एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल की प्रॉपर्टी रखता है जिससे आपके कोई भी फ्लैक्स होंगे रूट में या ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा होगी, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होगा तो उसको ये कंट्रोल करेगा. सो नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, कोई भी केमिकल नहीं है, पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है एंड प्लांट बेस्ड हेयर ऑयल है. तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो बिकॉज फॉल एंड जो हेयर डैमेज होने की कंडीशन है वो
आजकल हर किसी के साथ में हो रही है, तो डेफिनेटली ये नेचुरल प्रोडक्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसे किस टाइम लगाना है, कैसे इसको अप्लाई करना है आपकी हेयर में, वो आपको मैं डेमो दिखा देती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल आपको पाम में लेना है, देन आपके जो फिंगर के पॉइंटर्स होते हैं उन पे इस ऑयल को लेना है और आपको रूट पे अप्लाई करना है थोड़े थोड़े बालों को हटाते हुए। आपको अच्छे तरीके से मसाज करनी है हेयर की रूट में। अगर आप अच्छे तरीके से मसाज करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, प्लस कोई भी ड्राई स्किन या डेंड्रफ होगा वो भी रिमूव होगा। सो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पॉइंटर्स होते हैं फिंगर के, उनको यूज़ करते हुए आपको रूट में इस ऑयल को अप्लाई करना है। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। एंड तक अप्लाई करने के बाद आपको एक नॉर्मल बन या फिर जैसे भी आप चोटी वगैरह बनाते हो, लूज पोनी वगैरह बना के, और आपको इसे बंद कर लेना है ताकि हेयर ऑयल जो है अच्छे से रूट में एंड हेयर में लग जाए। इस तरीके से अगर आप हेयर ऑयल को लगाओगे, मसाज करके नाइट में सोओगे, और आपको हेयर ऑयल लगाने के बाद में ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करना है। करेक्ट शैम्पू भी हमारी हेयर ग्रोथ में, हेयर को डैमेज करने में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अगर इंग्रेडिएंट्स देख के सही शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर डैमेज होने से बचते हैं, प्लस हेयर फॉल भी बहुत कम होता है। सो डेफिनेटली आप एक ऐसा सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री शैम्पू ट्राई कीजिएगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाला हेयर ऑयल आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं 1 मंथ के बाद देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार इस हेयर ऑयल को ट्राई करोगे और सोचोगे कि मेरे हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या मेरे नई रूट नहीं आ रही है, रीजनरेट नहीं हो रहे हैं न्यू हेयर, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको 1 मंथ इसको ट्राई करना है, देन आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये प्लांट बेस्ड है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, एंड आपको पता है कि नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स ही हमारे हेयर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके साथ में आपको एक बैलेंस्ड डाइट भी आपके खाने में ऐड करनी है, क्योंकि बाहर से तो हम कितनी भी चीज़ों को अच्छा कर लें, बट अगर आपके अंदर एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो आपकी हेयर ग्रोथ में बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी। ये आपकी हेयर ग्रोथ को हेल्प करेगा आउटर तरीके से, आपके रूट के तरीके से, बट अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का फूड अगर आप ईट करोगे तो जो आप ये हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो उसको एक अच्छा बैलेंस मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड आपकी हेयर ग्रोथ डेफिनेटली फास्ट होगी। सो आई होप आप लोगों के लिए ये हेयर ऑयल का जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी गाइज, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी और आपको 1 मंथ के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये विटामिन ई, बी एंड पोटेशियम, कैल्शियम सबकी कमी को पूरा करता है। सो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट इज फैशन विद चेतना। एंड फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मेरा व्लॉग स्टाइल का वीडियो का न्यू पैटर्न है आपको कैसा लग रहा है, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।